सिम्बा के फैन मिल गए। सिम्बा के फैन। जिप्सी के ऊपर जो राफ्टिंग की बोट है वो देखो हो है। हम रुके हैं कहाँ पे? तीन धारा और बन रही है हमारे लिए चाय। ओहो ये संगम है देखो ये। तो ये हमारे साथ जो गूगल चल रहे हैं उन्होंने बताया कि ये देवप्रयाग है। देखो कितनी लाइटें चमक रही हैं, इतना सुंदर लग रहा है जैसे मसूरी दिखता है देहरादून से। पापो यहाँ से पापो 71 किलोमीटर, ये उसी गांव के पापो। यही उतार देते हैं यहाँ से ना। हाँ सतपुली इनका गांव है पापो। ये कह रहा सतपुली 42 आगे 71 किलोमीटर। उल्टा लगा देगा बोर्ड इसने पता नहीं उधर से आने वाले। भैया को इधर ही उतार दो भैया। अच्छा आप पापो चले जाओ। अच्छा ये यूटर्न है मुझे लगा ये यूटर्न था। देखो हम यहाँ पे हैं अभी, यहाँ से बद्रीनाथ 240, जोशीमठ 190, श्रीनगर 33, देहरादून छुप गया 112, 97 हरिद्वार ऋषिकेश। ये यूटर्न दिखा रहा है, मतलब हम इस रास्ते से आए हैं और यहाँ से यूटर्न लेके हम इस रास्ते पे जाएंगे है ना। और रेवादर जी दिखा रहे हैं हमें, देखो कितना बढ़िया व्यू, कह रहा है ना यहाँ से देखो व्यू कितना अच्छा आता है। और ये किसका? अरे ये देवप्रयाग है। अच्छा ये है, ओहो ये संगम है। देखो ये हम जब वापस आएंगे ना तो इसी रास्ते से आएंगे तो आपको दिन में दिखाएंगे संगम कैसा होता है। उधर से कौन सी नदी आ रही? वो कौन सी नदी है? इधर से आ रही है भागीरथी, इधर से आ रही है वो उधर से। अच्छा इधर से भागीरथी आ रही है और इधर से अलकनंदा, और दोनों का संगम है ये देवप्रयाग। और यहाँ देखो कितना अच्छा ऐसा नज़ारा, आपको लगेगा कि दिए जला रखे हैं पहाड़ों पे। बहुत अच्छा नज़ारा है, दिन में भी अच्छा लगेगा। पानी का दो कलर दिखता है, ये बहुत अच्छा व्यू है। देखो लोग गाड़ी से रुक जाते हैं यहाँ पे व्यू देखने के लिए। और ये हमारे कोच साहब है ना, टूरिस्ट गाइड रेवादर जी, और वो हमारी गाड़ी है। आगे साजी निकल चुके हैं, अब हमने इस रास्ते पे जाना है। और ये रास्ता बहुत चौड़ा है, तो अभी तो संकरे रास्ते से आ रहे थे और ये बढ़िया रास्ता है अभी। और यहाँ तो जब ट्रेन आएगी तो कितना अच्छा रहेगा रायगढ़ है। यहाँ का व्यू लेने के बाद हम चल रहे हैं वापस अपनी गाड़ी पे। रेवाधर को सब पता है यहाँ का रास्ता, क्योंकि यहीं की पैदाइश है बॉडी की। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? कर्णप्रयाग, श्रीनगर के लिए रास्ता जा रहा है, और ये रास्ता जा रहा है देहरादून। चलो चलते हैं देहरादून 108 किलोमीटर। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे दुकान में, क्योंकि हमें घर पहुँचने में देर होगी, तो तब तक भूख लग जाएगी, तो थोड़ा कचर पचर ले लेते हैं खाने के लिए। अभी हम लोग रुके हैं तीन धारा पे, यहाँ पे हैं छोटे छोटे से ढाबे चाय के लिए, खाने के लिए, नाश्ते के लिए, लंच के लिए। ये सारा SBI का स्टाफ है। तो सौरभ सिम्बा को घुमाते हुए, बाहर निकल के सौरभ की जिम्मेदारी हो जाती है सिम्बा को घुमाने की। तेरे से एक साल बड़ा है, आशीर्वाद ले ले भाई भेजी का। ये रेवादर भाई साहब हमारे, ये हमारे सुनसी नरेश, राजेश भाई, बिजी और हमारे साजी। हम रुके हैं कहाँ पे? तीन धारा और बन रही है हमारे लिए चाय। तो रेवादर जी का यहाँ पे स्टाफ चलता है, इन्होंने देखो सबसे पहले इनकी चाय आ गई है। तो हम लोग रुके थे तीन धारा में, जहाँ पे हमने चाय पी ली, और उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं देहरादून के लिए। और अब हम कहीं नहीं रुकेंगे क्योंकि रात भी हो चुकी है, और सीधे अब देहरादून में ही मिलेंगे हम आपको। जिप्सी के ऊपर जो राफ्टिंग की बोट है वो देखो। सिम्बा के फैन मिल गए। सिम्बा के फैन। सिम्बा 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 बॉय बेबी बॉय लड़के जा रहे थे ना, वो लड़कियां बोल रही थी सिम्बा क्यूट क्यूट हो रहे, ऐसा बोलो मेरा नाम भी सिम्बा है। अच्छा कि बोलो अपने फ्रेंड से बोल रहा कि तू ऐसा बोल दे मेरा नाम भी सिम्बा है। सिम्बा फेमस हो जाएगा कुछ सालों में। सिम्बा ही लग रहा मुझे सबसे पहले फेमस होगा। ये देखो ये राम झूला और लक्ष्मण झूला के लिए, लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है, ये मार्केट के अंदर से जाता है ना भैया, तो हम लोग इस वाले रास्ते जा रहे हैं ऊपर, जंगल वाले रास्ते, नीचे के रास्ते मार्केट से होते हुए नहीं जा रहे हैं। योग नगरी नगर निगम ऋषिकेश आगमन पर आपका धन्यवाद।
ये जगह है तीन मोड़, सात मोड़ है, इसलिए स्पीड लिमिट 20 और ये है सात मोड़। ये हाथी बाहुल्य क्षेत्र है ना, ये सात मोड़ जगह है और यहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा आते हैं। फिर ये गाड़ी एकदम मुड़ी, तीसरा मोड़, इस तरीके से फटाफट यहाँ पे सात मोड़ है। तो इस जगह का नाम सात मोड़ है और यहाँ पे हाथी थोड़ा ज्यादा, हाथी कॉरिडोर है हाथी। और यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टर भी कम कर रखे हैं, ज्यादा नहीं है, उस रास्ते पे बहुत थे रिफ्लेक्टर। ये मोड़ है ना, इसलिए रिफ्लेक्टर तो है सही जगह पे, अपनी जगह पे आई है, परंतु हाथी बहुत जाते हैं इसलिए। अच्छा, ये जब 2013 में यहाँ पे बहुत घटना हुई थी ना हाथियों की, सात मोड़ पे बहुत आते थे कि मतलब ये यहाँ पे गाड़ी को मार दिया, यहाँ पे इसको मार दिया करके। ये देखो कितने मोड़ हैं, फटाफट टर्न। अच्छा, इसलिए सात मोड़ इसका नाम। अब तो कोई नहीं सात मोड़ है बेटा, भैया गिन रहे, पांच मोड़ हो गए, छठा मोड़, ये सात मोड़ फिनिश। तो ये आज हम आए ऋषिकेश वाले रास्ते और अब घूम फिर के हम पहुंच चुके हैं वापस टोल पे, फास्ट टैग है यहाँ पे और जो हमारे पास है। तो भैया का घर आ गया, गूगल भाई साहब का। ये हमारे रेवादर भाई साहब है, नहीं घर में इनके बीवी बच्चे हैं नहीं है? वो गांव जा रखे, इन्हें घर तक छोड़ के आना। ठीक है भैया, बाय बाय, गुड नाइट, संडे को बता दूंगा और टाइम से तैयार हो जाइए 8 बजे, सुबह 7 बजे। चलो अब हम भी चल रहे हैं सुनो अपने घर की तरफ, रेवाधर को छोड़ के पहुंच चुके हैं अपने घर। और ये लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है और इस पर्सन ने सबको बोल दिया कि सांस भी मत लो, चुप होके बैठे हो ताकि किसी को पता ना चले कि हम आ रहे हैं। वैसे भी हमने आज किसी को बताया नहीं है कि हम आ रहे हैं, और अब हल्ला देखना सिम्मा को भी पता चल गया कि घर आ गया। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, आज प्रणाम प्रणाम। अभी अभी तो घूम का है, हैप्पी दिवाली कर रहा हूँ। इनके चैनल का इंट्रो बोल रहा हो, ये है अरुज, हमारे मामा जी हैं उनका पोता। तो हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून और हमने आके खाना भी खा लिया है और अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, मतलब 15 मिनट रह गए 12 बजने में। और इस पर्स अपनी दीदी के रूम में है, खेल रहा है, पता नहीं 1 बजे आएगा 2 बजे आएगा हमें नहीं पता, पर हम आ चुके हैं अपने रूम में क्योंकि हमें व्लॉग एडिट करना है और फिर सोना भी है। सौरभ गाड़ी चला के थक चुके हैं और मैं गाड़ी में बैठ बैठ के थक चुकी हूँ। सिम्बा ने भी आके खाना खा लिया और वो भी सो गया है। तो इसी ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।